इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड इस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड को हम एक्स मान लेते हैं, यानी कि जो डी एक्स बाई डी टी है वो हमारा 2 cm/s है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा जब इसकी साइड 10 cm की इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैपिटल ए मान लेते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारा होता है 3/4 × साइड का स्क्वायर। साइड हमारे यहाँ पे एक्स है तो ये हो जाएगा √3/4x2। और हमको यहाँ पे डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है जब एक्स हमारा 10 cm है। तो इसके लिए जो हमारा एरिया है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो उससे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एरिया को हमने कैपिटल ए मान लिया है और साइड को एक्स मान लिया है। और यहाँ पर क्योंकि जिसकी साइड है वो इस रेट से इंक्रीज कर रही है तो डी एक्स बाई डी टी हमारा 2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है कि ये होता है और इसका रेट कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है उसको निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यानी कि हमारा डी ए बाई डी टी आ जाएगा ये। अब डी एक्स बाई डी टी हमको 2 गिवन है तो इसकी वैल्यू हम इसमें 2 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमको ये निकालना था जब x हमारा 10 cm के इक्वल है तो x की जगह पे यहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10√3, यानी कि जो हमारा एरिया है वो 10√3 cm² per second इस रेट से इंक्रीज करेगा।